सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया। अब वो बात अलग है कि बाबा जी तो पजामा पहनते ही नहीं, आपने पोल खोल दी है। सब लोग समझ चुके हैं, दूर तक समझ चुके हैं, किसान समझ चुका है, 5 साल में 35 रुपए बढ़ाने वाली सरकार कतई भी गन्ने का अच्छा भाव किसानों को, आप 25 मान लो, अच्छा भाव बढ़ा के देना नहीं चाहती। इनकी मनसा साफ हो गई। तो आप गांठ बांध लो। खतौली में तो ऐसा मौका आपको मिला है जो दूसरे क्षेत्र में जनता को नहीं मिला। बछड़ों के झुंड हो गए, अब इतना आसान काम नहीं रहा। इनके झुंड यहां भी आए थे, आपने यहां से तो खदेड़ दिए। अब ये आप देखिए कि चाइना के साथ चाइना का घुसपैठ बढ़ रहा है, सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सोमवार का दिन सदन चालू था, कोई खलल नहीं थी, सामान्य चर्चा दोनों सदन में हो रही थी, मैं भी राज्यसभा में बैठा था, हम लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन मीडिया वालों ने जब बताया कि इससे इस तरह से हमले हो रहे हैं, मुकाबला हमारे सैनिक कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जब सदन का सत्र चालू था तो देश की उस पंचायत में, उस पवित्र जगह पे, उस सदन में उनको जवाब देना चाहिए था, पहले जानकारी सदन को मिलनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी जवाब देते हैं कि सदन की छुट्टी थी इसलिए जो घटना फ्राइडे की थी हम ट्यूसडे को बता रहे हैं, मंगलवार को बता रहे हैं, ये कोई बहाना नहीं। हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, हमारे बच्चे वहां तैनात हैं। मैं मांग इस मन से अपनी कैद करता हूं, बार बार हम कह रहे हैं, फिर दोहराता हूं कि अगर हमें अपने देश के दुश्मनों से मुकाबला करना है, जो हमारे पड़ोसी राज्य से रिश्ते अच्छे नहीं हैं आज और बिगड़ेंगे आगे, और तो वो चुनौती है। अगर मुकाबला करना है तो देश के सैनिक को आप ताकत दीजिए। आज देश के सैनिक के लिए जो एक विश्वास और एक आस्था थी लोगों के मन में, जो हमारे गांव के बच्चे चाहते थे कि हमें वो नौकरी मिल जाए, वो वर्दी मिल जाए, उस वर्दी को पहनकर हम अपने खून को बहाने का काम करेंगे, कुर्बानी देने के तैयार हैं, शहादत देने के लिए तैयार हैं, उस भावना को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। मैं मांग करता हूं जो लोग आज ये कहते हैं कि चीन पे सवाल मत पूछो,